सुंदर चंद्रावर गुप्ता कॉलेज बासन देवदत्त की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर एफोर्ट कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपके फर्स्ट के निर्देशन एवं परामर्श का परिचय और टॉपिक के निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत के दौरान आज हम पढ़ेंगे कि निर्देशन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और कौन कौन से आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य किया गया है जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होते हैं। तो देखिएगा कि निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। बिल्कुल, कि निर्देशन के जितने भी सिद्धांत हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को रखा है। लचीला प्रक्रम होने के कारण इसके सिद्धांतों की संख्या में परिवर्तन है। लचीला प्रक्रम यानी कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत लचीला होने के कारण यानी कि निर्देशन का जो सिद्धांत जो टॉपिक है उसका क्रम लचीला होने के कारण इसके सिद्धांतों की संख्या में परिवर्तन है। कि सिद्धांत इसके एक्यूरेट नहीं है यानी कि कोई क्रम नहीं है इसके सिद्धांतों का। अलग अलग विद्वानों ने निर्देशन के सिद्धांतों की अलग अलग संख्या बताई है। जैसे मान लीजिए क्रो ने 14 सिद्धांत बताए तो किसी और विद्वान ने अलग अलग सिद्धांत बताए। किसी ने 14 को ही सहमति दी तो किसी ने 7 को सहमति दी नहीं, किसी ने 5 को सहमति दी है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने निर्देशन के सिद्धांतों की अलग अलग संख्या बताई है। सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी ने स्वीकृत किए हैं यानी कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें सभी विद्वानों ने स्वीकृति प्रदान की है। निर्देशन के सिद्धांतों पर विचार करेंगे यानी कि निर्देशन के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो फर्स्ट सिद्धांत आपका निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है यानी कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है यानी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक निर्देशन की प्रक्रिया चलती रहती है। जिस प्रकार से मनुष्य का व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे वो निर्देशन प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है यानी कि अनवरत सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कदम कदम पर निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। तो निर्देशन सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। बिल्कुल, निर्देशन सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। निर्देशन की आवश्यकता सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतनी ही विशिष्ट समस्या वाले व्यक्तियों के लिए है। मतलब निर्देशन की आवश्यकता सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि विशिष्ट व्यक्ति के लिए। यानी कि विशिष्ट व्यक्ति के लिए निर्देशन की आवश्यकता है लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि विशिष्ट व्यक्ति निर्देशन प्राप्त करता है। निर्देशन की प्रक्रिया किसी विशेष आयु के लोगों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, कि निर्देशन की प्रक्रिया किसी विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। निर्देशन सभी वर्ग के लोगों को दिया जा सकता है। निर्देशन छोटे व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। निर्देशन बड़े व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। निर्देशन अमीर व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। गरीब व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। निर्देशन शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भी दिया जाता है चाहे वो फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी हो चाहे वो सीनियर क्लास का विद्यार्थी हो। तो निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और निर्देशन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। तो किसी विशेष आयु वर्ग तक ये निर्देशन सीमित नहीं होता है। ठीक, अभी तो यह संपूर्ण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल, संपूर्ण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन क्योंकि जीवन और समस्या को चोली दामन का कहा जाता है। बिल्कुल, कि जीवन और समस्या का यदि व्यक्ति का जीवन है तो जीवन के साथ साथ उसकी समस्या भी है। समस्या का समाधान करना अलग बात है लेकिन व्यक्ति के जीवन के साथ साथ समस्याएं चलती रहती है और समस्या का समाधान करना ही निर्देशन है यानी कि समस्या का समाधान जिस व्यक्ति ने कर लिया उसने निर्देशन प्राप्त कर लिया। तो जीवन और समस्या का समाधान यानी जीवन और समस्या का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। ठीक है, चोली दामन का साथ होना यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा होना। उसी प्रकार से जीवन के साथ साथ समस्या भी निरंतर चलती रहती है और जिसने समस्या का समाधान करके नियंत्रण कर लिया, समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया, ये समझ लीजिए कि उसने निर्देशन प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है, अधिकांश समस्याएं ऐसी होती है जिनका तुरंत कोई समाधान नहीं कर सकते। बिल्कुल, अधिकांश समस्याएं व्यक्ति के जीवन में ऐसी होती है जिसका तुरंत समाधान नहीं मिलता है, तुरंत हल नहीं मिलता है और इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। और उसके लिए क्या होता है? समय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल समय की आवश्यकता होती है यानी कि ऐसी समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में होती है जिसका सतत या लगातार या तुरंत उसको सटीक आंसर नहीं मिलता है बल्कि उसको समय का वेट करना पड़ता है यानी कि समय का उसको इंतजार करना पड़ता है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? समय की आवश्यकता होती है। इसके लिए निर्णय समझ कर किए जाते हैं यानी कि जो समस्याएं बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है उसके लिए निर्णय भी समझ कर लिए जाते हैं शिकवत और उसके लिए निर्णय शिकवता से नहीं लिए जाते। परामर्शदाता निर्देशन प्राप्तकर्ता को समझाने में पर्याप्त समय
करने लगा था। बिल्कुल, यदि समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है तो जो निर्देशन करता है, जो निर्देशन करता है वो निर्देशन करता निर्देशन प्राप्त करने वाले को, जो निर्देशन प्राप्त कर रहा है उसको उसको उसकी समस्या से निकालने के लिए समय लगाता है, उसको समय देता है। साथ में इसके अलावा भी निर्देशन प्राप्त करता के जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती है। जब वो निर्देशन प्राप्त कर लेता है अपनी समस्या, अपने विकराल समस्या पर निर्देशन प्राप्त कर लेता है, तब भी उसके जीवन में समस्याएं आती रहती है। किसके जीवन में? निर्देशन प्राप्त करता के जीवन में समस्याएं निरंतर आती रहती है। फलस्वरूप निर्देशन की आवश्यकता हमेशा विद्यमान रहती है। इसलिए कहा गया है कि निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति को सतत विद्यमान रहती है, लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे वैसे निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति को होती रहती है। इस प्रकार निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए कहा गया